हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आरआरबी चंडीगढ़ के रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी और अभी आरआरबी पटना का भी रिजल्ट आ चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी आरआरबी चंडीगढ़ का दोबारा से एक और स्क्रीनशॉट है, जो जैसे आप लोग आरआरबी पटना या बाकी के रिजल्ट देख रहे हो सेम वो वैसा ही है। उसमें ये नहीं है कि वो किसी का स्क्रीनशॉट है, कैसे आप लोग एक बार उसको भी कन्फर्म करिएगा। दोनों के दोनों सेम नोटिफिकेशन है, तो प्लीज़ एक बार उसको कन्फर्म करिएगा। फिलहाल आरआरबी पटना की जो कट ऑफ गई है वो काफ़ी कम गई है। एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस की कितनी कट ऑफ रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के सामने 66 नंबर पे जो कट ऑफ रही है वो अनरिजर्व कैटेगरी की, और उसके अलावा 49 पे आप लोगों की कट ऑफ एससी और एसटी की ओनली 44, और 58 पे ओबीसी की रही है। 48 पे आप लोगों के सामने जो कट ऑफ देखने को मिल रही है वो ईडब्ल्यूएस की। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चंडीगढ़ वाली कट ऑफ। तो गाइज देख सकते हैं, जो आपने पहले देखा था स्क्रीनशॉट सेम उसी की तरह पे यहाँ पे ये जो चीज़ आई है ये भी आई है। अब ये फर्जी है क्या है ये तो सारी चीज़ें अभी पता नहीं चल रही क्योंकि साइट ओपन नहीं हो रही है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार रिजल्ट दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में हमारे, उसी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ बताई गई है वो 62 है, ना कि बच्चे कह रहे हैं कि 40 कैसे चली जाएगी। भाई 40 नहीं गई है, अनरिजर्व की 62 पे गई है, एससी की 50 पे, एसटी की 49 पे और ओबीसी की 58 पे, जो लगभग लगभग सही लग रही है मुझे तो। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा जैसा भी होता है। तो गाइज ये रही आप लोगों के लिए कट ऑफ, और बाकी दूसरी वाली कट ऑफ की भी बात करते हैं। तो गाइज दूसरी वाली कट ऑफ आप लोगों के सामने है, उसको भी देख लीजिए, दोनों को मैच करा लीजिए, दोनों की दोनों सेम है। तो गाइज जरूर बताइएगा आप लोगों का अगर रिजल्ट हुआ है तो। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।